11 नवंबर 2022 वालोत्रा शहर के मौलाना अबुल कलाम आजाद विद्यालय परिसर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन रक्तकोश मित्र मंडल सेवा संस्थान एवं विद्यालय परिवार के संयुक्त तत्वधान में किया गया। जयंती समारोह कार्यक्रम में संस्थान सदस्यों द्वारा मौलाना आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर खिराजे अकीदत पेश की। इस अवसर पर मदरसा इंतजामिया कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद तैयब, सचिव अनवर हुसैन यारिया, मुस्लिम समाज वालोत्रा मेंबर हाजी अय्यूब भाई कुरेशी, प्रधानाध्यापक हस्ताराम पाचल, उच्च माध्यमिक शाखा के प्रधानाचार्य जमाल खान मोयला, पैरा टीचर मोहम्मद अकरम कुरैशी, शिक्षक भरत कुमार, अर्जुन राम, रतनलाल देमाराम, मौलाना मोहम्मद रहीम, यासमीन बानो पठान, सुरेश कुमार एवं मोहम्मद फारूक सुमरो एवं रक्तकोश मित्र मंडल के कोषाध्यक्ष मोहम्मद रमजान, मीडिया प्रभारी नरपत सिंह उमरलाई, अनोतर जी, विक्रम सिंह चारण, जगदीश गड़वर, रेणु चौधरी, राजू राम गोल मौजूद रहे। मुस्लिम समाज वालोत्रा शिक्षा समिति सदर मौलाना मोहम्मद तैयब ने अब्दुल कलाम आजाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मौलाना तैयब ने अपने संबोधन में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद 11 नवंबर 1888 एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और दोबारा 1940 से 1946 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को उनका देहांत हुआ। भारत सरकार द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 में उनकी जन्म जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की और 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। छात्र संघ अध्यक्ष नेमी चंद पारूपाल ने भी संबोधित करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय संविधान निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। इसका जिक्र केवल भारत नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म अक्सर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस देश की क्या पहचान होगी, उसके लिए देश के विभिन्न बड़े बड़े राजनेता हुआ करते थे। उन राजनेताओं में सबसे ऊपर जो नाम आता था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद में नाम आता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के एक ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने भारत के संविधान में अथक प्रयास से उन्होंने इस देश का दस्तूर लिखा जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश आजाद हुआ तो एक बात आई कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, तो भारत के अंदर एक जो सर्वप्रथम जो रक्षा मंत्री थे जिसका नाम था बलदेव सिंह हालांकि वह सिख थे, तो उनके नजर में आया हमारा जो देश का जो संविधान है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि एक विशेष धर्म को महत्व देता है। दूसरे नंबर की बात है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारतीय मुस्लिम थे जिसका जन्म मक्का मदीना मक्का में 1881 में हुआ था, तो उनको लगा कि भारत का संविधान कुरान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरी बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने देखा कि भारत का संविधान वेद पुराण के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा थे जिन्होंने कहा कि भारत का संविधान समस्त भारतीयों के लिए होना चाहिए और उनका समर्थन सर्वप्रथम यदि किसी ने किया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया तो देश के सारे भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, सारे धर्मों के लोगों ने भारत के संविधान में अथक प्रयास और इस देश के संविधान में संपूर्ण भूमिका निभाई।
तो जैसे ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के प्रथम रक्षा मंत्री बनाए गए सरदार बलदेव सिंह, देश के प्रथम होम मिनिस्टर बना गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, और अक्सर इसके बारे में कहा जाता है कि इस देश का यदि कोई निर्माण करना चाहता है जिसके पास में शिक्षा है और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग देश का जो सर्वप्रथम देश का जो शिक्षा का सारा कार्यभार है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सौंपा गया और देश के प्रत्येक जिलों में प्रत्येक उपखंड स्तर पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र बना हुआ है। हमारा मारवाड़ का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो है जोधपुर और जोधपुर की विश्वविद्यालय का नाम है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जो कि इस देश के निर्माण में सबसे आगे विश्वविद्यालय अग्रसित है। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जाने वाले वो व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका में पढ़ाई की, लंदन में पढ़ाई किया, जर्मनी की बॉर्न यूनिवर्सिटी को टॉप किया। जैसे ही वो भारत को आए तो भारत में किसी ने भी उसका सम्मान नहीं किया, लेकिन दक्षिण भारत की हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। जो भारत का संविधान है वो समस्त भारतीयों की रक्षा करता है, इसीलिए जो भारत का संविधान है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसीलिए सज्जनों, आप समस्त महानुभावों का मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अक्सर मैं इतना मैं कह सकता हूं कि एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इज लाइफ और वन मिशन वन लाइफ वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक राष्ट्र है, हमारा एक संविधान है और इसी के अकॉर्डिंग हम सब इस देश में जो शिक्षा का सम्मान अधिकार है वो सबको है। मुझे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होती है कि हमारा संपूर्ण भारत देश बहुत बड़ा विशाल है। उत्तर भारत को यदि हम देखेंगे तो भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग गरीब भी है और अशिक्षित भी है, और दक्षिण भारत के समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिसके अंतर्गत कर्नाटक आता है, केरला आता है, हैदराबाद आता है, उस दक्षिण क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सर्वोच्च स्थान रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रसित है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जाने वाले लोग हैं। तो उत्तर भारत के मुस्लिम समुदाय अर्थात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जीवन में कभी भी पढ़े को मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आपके पास में शिक्षा है तो आपके पास में समाज है, आपके पास में राष्ट्र है और शिक्षा के द्वारा ही आप इस देश में परिवर्तन लाओगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपने मेरी बात को सुना, मैं विश्वास दिलाता हूं, आओ हम सब एकता के लिए इस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के साथ में मिलकर विश्व पटल पर भारत को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनाना है। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको भारत का हम मिसाइल मैन कहते हैं, पूरे विश्व पटल पर भारत को एक विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था और उन्होंने 5 मिसाइल ऐसी स्थापित की, त्रिशूल, नाद, आकाश, पृथ्वी, जल, ये ऐसी जो मिसाइल है जिस पर विश्व पटल पर भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था मेरे सपनों का भारत। एक उन्होंने कृति लिखी थी जिसका नाम था मिशन 2020 इंडिया, और मिशन 2020 इंडिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था कि विश्व पटल पर भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा सपना देखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि भारत को महान बनाना है, इसका भविष्य उज्जवल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है सभी भारतीयों को एक मंच पर आकर इस देश का नेतृत्व करने की। इन्हीं कामनाओं के साथ में आप समस्त महानुभावों को धन्यवाद।